रेती माफियाओं का आतंक और प्रशासन की अनदेखी। दर्शकों, मैं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, मैं आपको एक बहुत अहम मुद्दे की तरफ अवगत कराना चाहता हूं कि मेमरा रेती बंदर पर रेती माफियाओं का आतंक जारी है और दिन दहाड़े रेती चोरी की जाती है, लेकिन तलाटी ऑफिस और प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती, जिसकी वजह से रेती माफियाओं का हौसला बुलंद होता जा रहा है। देखिए हमारे साथी सुल्तान रजा रिजवी की रिपोर्ट। दर्शकों, इस वक्त जो है हम खाड़ी पे आए हुए हैं। ये खाड़ी को देखिए यहाँ पर, और बार बार जो है जिला अधिकारी की तरफ से, तहसीलदार की तरफ से रेती माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन देखिए कितना धड़ल्ले से जो है ये रेती निकालने का काम किया जा रहा है। ये बड़ा सा बाज लगा हुआ है और यहाँ से आप दूर तक देखिए पूरा जो है वो बाज लगा हुआ है और रेती निकालने का काम ये लोग बड़े पैमाने पे करते हैं। इस तरीके से खुलेआम ये रेती निकाल रहे हैं, बाज लगा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर रेती माफिया बिल्कुल दिन दहाड़े दबंगई करके रेती निकाल रहे हैं और राजस्व का करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं, तो क्या जिला अधिकारी महोदय, तहसीलदार और जो मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने तलाटी ऑफिस है उसके तलाटी कार्रवाई करेंगे? इनके ऊपर कोई गंभीर धाराएं लगेंगी? इसलिए कि मामूली कार्रवाई से ये लोग बच जाते हैं कानूनी दांव पेच से और फिर बाहर आकर के दो चार दिन में इनका बदस्तूर जो है रेती निकालने का काम शुरू हो जाता है, जिससे गंभीर कार्रवाई ना होने की वजह से इनके रेती माफियाओं के हौसले इतना बुलंद है कि उनको कोई डर खौफ नहीं है। आप देख सकते हैं कि खुलेआम यहाँ पर रेती निकाली जा रही है और ये देखिए 6-6, 8-8 बाज लगे हुए हैं, स्टीमर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है और कम से कम आप देखिए दर्जनों जो है वो वर्कर है और खुलेआम ये रेती निकाल रहे हैं, लेकिन इनको कोई मना करने वाला नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनकी साठगांठ से ये जो है रेती निकालने का धंधा खुलेआम चालू है। मैं सुल्तान रिजवी।